चलिए तो बच्चा लोग हम लोग एक डायग्राम अभी पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर हम लोग पढ़ने वाले थे। लास्ट क्लास में हम लोग पूरा थ्योरी लिख लिए थे जेड डिस्क जेड लाइन सबके बारे में। अभी बस पढ़ते हैं। देखो यह है सार्कोमियर। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल होता है। मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है वो किसकी वजह से करता है? सार्कोमियर। तो ये सार्कोमियर है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो बैंड होता है, एक को बोलते हैं आई बैंड और दूसरे को बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड और इसको क्या बोलेंगे? आई बैंड। ए बैंड थोड़ा मोटा है, आई बैंड थोड़ा पतला है, कंटिन्यूअस नहीं, बीच में गैप है, यहां भी बीच में गैप मिलेगा। ये पूरा एक सार्कोमियर है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, जो कि एक बार में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है जिससे कि मूवमेंट हो। ठीक ऐसे आर सी हो है सर। कहा? हाँ सार्को हमको डब्ल्यू सार्कोमियर अभी ठीक है ना? लग रहा तेरे को सार्कोमियर? हाँ सर। हाँ बोला। अभी सुन लो, ये जो आई बैंड होता है ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से, ये जो ए बैंड होता है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन से। देखो ये हेड होता है, डिटेल में अभी और आगे बताऊंगा कैसे ये स्लाइड भी असर करता है, बट अभी ये हेड होता है। देखो ये है हेड किसका? ये हेड है ए बैंड का। ए बैंड और ए बैंड का हेड के लिए आई बैंड पे यहां पे ना एक्टिव साइट होता है। क्या होता है? अगर थोड़ा भी बायोमोलिक्यूल से एंजाइम याद है इक्तुस अभी तो वहां आप शायद पढ़े थे कि एक एंजाइम में सब्सट्रेट कहीं भी ऐड नहीं होता, एक स्पेशल स्पेसिफिक साइट होता है जहां पे सब्सट्रेट एंजाइम में ऐड होता है। ठीक है, तो उस जगह को एक्टिव साइट बोलते हैं। यानी इस जगह पे इस ए बैंड के हेड के लिए एक्टिव साइट है, और उस एक्टिव साइट को ढक के कौन रखा है? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इसका नाम होता है मास्किंग प्रोटीन। क्या नाम होता है? मास्किंग। दिस इज मास्किंग प्रोटीन। ठीक, तो ए बैंड आई बैंड सब समझ गए? अभी तक नहीं हुआ, वही देख रहा है कि मैं भी हो गया हूं। समोसा का तो बोलो बगल से ही आ जाएगा, पिज्जा वापस हम ऑर्डर नहीं करने वाले, एक तो होगा क्योंकि बाबा के पास इतना टाइम ही नहीं। चीज समोसा पाउडर में होता है, यहाँ होता है कहा? मक्खन बोलते वहां जाओगे डिलीवरी करेगा वो इतना गाड़ी किसी के पास होता तो सोचते थे। अरे 11 गाड़ी है तुम्हारे पास, यार चलो चलो पढ़ लो उसके बाद वही दौड़ के जाना पालोडल सबके लिए समोसा लेना। आदमी क्यों आ रहा है? औरत तो रास्ते में खा सकती है। ये देखा मैंने सर, इसको पहचाना भी है। नहीं रे ये बहुत तेज है, पेट में डालेगी समोसा मछली को, बोलेगा मछली थोड़ा सा तू खा ले तो आधा मछली के पेट में रोमिनेंट नहीं हो, भरोसा नहीं है, रोमिनेंट भी हो सकती। सही बात है, करो ले आगे घंटे समोसा लेके चले। घंटे क्यों बजा? क्या बात है? नहीं समोसा भेजे साथ में खाएंगे।
भाई अपने ये रहा आपका समोसा, ये रहा दो समोसा इंटरेस्ट, चल जाइए वापस। प्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट को छुपा के रखता है, ठीक है आगे सुनो। होता यूं है कि जब इसको स्लाइड करना होता है, अच्छा एक मिनट, ये दो आई बैंड के बीच में कुछ गैप दिख रहा है, उस गैप का नाम है, उसी का एक और नाम है हैंसन जोन, ठीक है। एक और बात, ये देखो लाइन, इस लाइन का नाम है या तो जेड डिस बोल लो, या बोलो क्राउज मेम्ब्रेन, या बोलो डॉबीज लाइन, डॉबी हैरी पॉटर वाला डॉबी। हाँ डॉबी 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 को मोजा पसंद है, मोजा पसंद है। हाँ तो पापा दादी उसी की पैरेंट करता है, जब कपाल कर है हैरी पॉटर ही आती है। मोजा पसंद नहीं था, मोजा के कारण मैं दूरी करता था। हाँ इधर देख, मैमेरियन मसल्स में सार्कोमियर का लेंथ 2.3, उसमें से एक्टिन कितना जाएगा 1.5, आई बैंड का लेंथ 0.8। यू कैन लुक इनटू दिस, आई बैंड इज छोटा, बीच में गैपिंग, ए बैंड इज बड़का, गैपिंग कम, आई थिंक गैपिंग है ही नहीं। ओके अभी सुनना, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलस गया, कोई टच किया फटाक से हाथ मोड़ा, ऐसा कोई स्टिमुलस, या आप कुछ और हाथ मोड़ गया, ठीक, तो स्टिमुलस जैसे ही मिलता तो फटाफट सार्कोप्लाज्म या कैल्शियम आयन आता है, कौन आता है चच्चा कैल्शियम, और जैसे ही चच्चा कैल्शियम आते हैं तो ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो अपना पूरा पूरा वफादारी एक्टिव साइट के साथ निभा रहा था, इसको देखते ही फिसल जाता है। और जैसे ही वो बाइंड हुआ तो उनके यहाँ जो छुप के बैठी हुई थी मैडम जी वो फ्री हो गई, अब उनको मौका मिल गया, अच्छा चलिए बोले टाइम जा ही रहा है। वो किससे बाइंड हो जाता है, हेड ऑफ इवेंट्स। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो खींच लिया, आइए भाई घर के बाहर आइए, अब जैसे ही ये खींचा है तो देख ये अंदर की तरफ आया आया और ये दोनों आपस में आके चिपक गया, तो एक्सोजोन गायब हो गया, मसल छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब पप्पा जी वापस तरे कहां गए, पप्पा आ गए वापस घर में, जैसे वापस घर में फिर से एक्सपैंड नॉर्मल मसल। क्या जब भी स्टिमुलेशन मिलेगा, हाथ मोड़ना है तो ऑर्डर दी, हाथ मोड़ जा भाई, मोड़ा तो स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन हुआ। आपको भाई साहब बोलना है, बहन जी बोलना है, बहन जी अच्छा खुद ही कंफ्यूज हो गए, भाई पैसा इज वापस तुमको याद है, बहुत गलती की है डायरेक्शन तो। हाँ हाँ अच्छा इतनी कंफर्म कैसे हो गई, याद है मेरे को मोनो इंटेंशन डायरेक्शन पता नहीं है, यही सीखे हैं मैग्नस मार्किंग से बचो। शाबाश तुम क्या हो फरहान, नहीं तू भी छोटा, तुम तो यूनिकॉर्न ही। चलिए मस्ती हो गया, ईवीएम लोग समझ चुके हैं, ये आप समझ गए ना, डायग्राम बना लिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, ये जो कैल्शियम चच्चा ची आते हैं या फिर ये जो फिसलन होता है इसको अगले टॉपिक में लिखेंगे। डालिए हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, रेडी। हाँ समोसा में टाइम है 10 मिनट है, चलो चखे दो। खाना समोसा क्यों भी नहीं खाना, खाना ऑफकोर्स खाना है। चलो हम थोड़ा ज्यादा खुश हैं, हम 9 बजे और 11 बजे घर बैठे को भूख लगती है, हम तो खाते खाते आ रहे हैं, क्यों करना है 5 वाले हम लोगों ने 100 रुपए बहुत होता है, हमको
तो से आगे बढ़ा है। भैया स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप प्रोटीन 12 62 और 10 तो पिजा जाए अच्छा में पिजा जाएगा भाई तो ऑर्डर तभी तो कर रहे हैं समझता है लेकिन मेरे पास अभी कार्ड भी तो नहीं है। 120 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
बाहर का खाने में। अच्छा समोसा रिफ है तुम लोग, तुम लोग समोसा खा लो पिज्जा का ऑर्डर। नहीं 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 ये नहीं चलेगा, हम लोग पिज्जा खा लेते हैं आप समोसा। ओके तो एक से खुश हो सही में? हाँ सही में। ठीक है हमको भूख लगा है, एक बार खुश हो, एक पिज्जा केला केला भाई खुश है। चलिए बाहर आओ सब लोग, 200 निकालिए एक एक पिज्जा। खतरा मंडरा था दिख रहा है, गायों मोयों सब कुछ लग रहा है मेरे को यार। चलिए सर आ गए जो समोसा खा सकता है समोसा खा सकता है, पिज्जा जिसको नहीं खाना है जा सकते हैं। एक और ऑप्शन एक और ऑप्शन और क्या होता है जो ट्रायंगुलर होता है क्या बोलते हैं उसको, पैटीज। हाँ ठीक है, एक पैटीज 25 का होता है पक्का? नहीं पेटीज में ऑयल लेकिन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा तो ठीक है काम करते हैं, ज्यादा नहीं बुद्धि लगाते हैं, चुपचाप एक समोसा पेटीज का फ्रेंच या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर एक कटलेट। हाँ वो भी समोसा। कौन समोसा वाले कितने लोग हैं? तू बोल ना पंडा बोल। समोसा वाले चार लोग, तेरे को कटलेट चाहिए? बाहर का खाते ही नहीं। रुक 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 तेरे को नहीं खाना है कुछ? कटलेट ठीक है सुन, चार समोसा ये लोग के लिए, मेरे लिए पांचवा समोसा, मेरे लिए कटलेट भी और तेरे लिए कटलेट।
चार समोसा एक स्प्राइट स्प्राइट अभी ना मेरा आवाज का बहुत कीमत हो गया ठीक है चलिए जा पांच समोसा दो कंटेंट लेना चाहे तो ठीक है अच्छा ठीक है तुमको अपने तरफ से ला सकते हम लोग हैं आज के लिए इतना ही आफीफा वी आर गोइंग टू हैव सम फन घूम के आ जाएंगे।